तो ये जो डिवोटीज की इतनी भारी लाइन आप देख रहे हैं, ये उस गर्भगृह तक की लाइन है जहाँ किसी भी देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। तो आखिर गर्भगृह में ऐसा है क्या जिसके दर्शन के लिए ये सभी भक्तजन घंटों से इन कतारों में लगे हुए हैं? चलिए वीडियो में इसी चीज की चर्चा करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारी शक्तिपीठ सीरीज की तीसरी वीडियो में, जहां इसी चैनल पर हमने माता नैना देवी शक्तिपीठ और माता चिंतपूर्णी शक्तिपीठ की भी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम दर्शन करेंगे हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी शक्तिपीठ के, जहां देवी सती की जीवा गिरी थी। तो हमने ये पूरी जर्नी शुरू करी थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां से पहले हम आए नैना देवी मंदिर और फिर नैना देवी से चिंतपूर्णी, और आज हम आए हैं चिंतपूर्णी से ही ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जिसकी पूरी डिटेल आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ज्वाला देवी शक्तिपीठ पहुंचने के लिए चिंतपूर्णी से सुबह सुबह 9 बजे बस जाती है, जिसका फेयर 75 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। और 35 किलोमीटर के इस सफर को बस के द्वारा पूरा करते हुए करेक्ट 11 बजे मैं पहुंच गई थी ज्वाला देवी शक्तिपीठ। और बस स्टैंड से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर से मंदिर की चढ़ाई का रास्ता शुरू हो जाता है, जो आपको इस मार्केट से होते हुए सीधा ज्वाला देवी शक्तिपीठ लेकर जाएगा। और इस मार्केट में आपको लगभग हर प्रकार का सामान मिल जाएगा। आप प्रसाद लेकर अपने जूते और सामान यहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जूता घर की कोई व्यवस्था नहीं है। और अब ऊपर जाते हुए इन जीनों के माध्यम से आप मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएंगे। मंदिर में एंटर करते ही मैं तो हैरान रह गई थी ये देखकर कि मंदिर का परिसर कितना बड़ा था। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चुना मंदिर में ज्वाला देवी के दर्शन करने का, जिसकी इतनी लंबी लाइन देखकर मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। बहुत से भक्तजन अपने मन में अनेकों भाव लिए बस लाइन की ओर ही देखे जा रहे थे, जिसे देखकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये सब भी गर्भगृह में मेरी ही तरह माता सती की जीवा से निकलने वाली उन 9 अग्नि तत्वों की बस एक झलक के लिए ही तत्पर थे। और मेरे अनुभव के अनुसार आप कोशिश करिएगा कि आप ज्वाला देवी शक्तिपीठ के सुबह सुबह ही दर्शन करें, क्योंकि 12 बजे माता की आरती के लिए दर्शन की कतारें रोक दी जाती हैं, और ये आरती आधे घंटे की होती है, लेकिन कभी कभी 40 से 50 मिनट तक चलती है। और इसी कारण गर्भगृह दर्शन की इस भारी लंबी लाइन में ही मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं। इस पूरे रास्ते में सबसे अजीब चीज तो ये थी कि जो लोग 2.5 घंटे से आराम से लाइन लगाकर धीरे धीरे दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, गर्भगृह में पहुंचते ही उनका सब्र ना जाने कहां खो गया, क्योंकि गर्भगृह में तो देवी सती के ज्वाला रूप में कोई भी मूर्ति नहीं है। और बस इसी प्रश्न को लेते हुए मैं बढ़ चली गर्भगृह की ओर, जहां मैंने क्या देखा कि गर्भगृह में मूर्ति तो नहीं है बल्कि ज्वाला का ही रूप है, जहां धरती के गर्भ से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। और ये प्राकृतिक 9 ज्योतियां हैं जो हजारों सालों से बिना किसी के जलाए जल रही हैं, और ये 9 ज्योतियां एक चांदी के जाले के बीच में ही जलती हैं, जिसकी गर्भगृह में माँ काली के रूप में पूजा की जाती है। गर्भगृह के बाद आप दर्शन करेंगे यहाँ माता ज्वाला के विराजमान स्थल के,
जहां देवी ज्वाला सायंकाल में विश्राम करती हैं। और यहीं इसी जगह पर सभी भक्तजन एकत्रित होकर सत्संग की क्रियाएं भी करते हैं और भजन गाते हैं। बाहर की ओर ही ये हवन कुंड भी था, जहां लोग धार्मिक पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिर परिसर के बीचों बीच ये छायादार वृक्ष ज्वाला देवी मंदिर का प्रमुख आकर्षण है। और इसी परिसर में तीन छोटे छोटे गर्भ भी बने थे, जहां बीच में दुर्गा माता की मूर्ति के साथ दाईं और बाईं ओर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी थी। ज्वालामुखी मंदिर परिसर को घूमते घूमते मैं पहुंच गई थी गोरख डिपी में, जहां मुझे इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता को और अच्छे से जानने का मौका मिला। कहा जाता है कि अकबर द्वारा इन पवित्र ज्योतियों को कई बार अलग अलग तरीकों से बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन देवी शक्ति की ज्योतियां बुझी ही नहीं। तभी अपनी तमाम कोशिशों में विफल होने के बाद अकबर ने नतमस्तक होकर माता ज्वाला को सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन जब मैंने ये छत्र देखा तो मुझे ये छत्र सोने का लगा ही नहीं। और बाद में पुजारियों से पता चला कि अकबर को इस बात का घमंड हो गया था कि उसके जैसा छत्र माता को कोई और नहीं चढ़ा सकता। और बस इसी के बाद माता ने अकबर का ये छत्र स्वीकार ही नहीं किया और ये छत्र अज्ञात धातु में बदल गया। और बस इसी तरह सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले राजा अकबर का अहंकार माँ ज्वाला देवी के चमत्कार के आगे चूर हो गया। गोरख टिब्बी में ही एक स्थल और था, जहाँ दो कुंड बने हुए थे। एक में शीतल जल था जो खोलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, और दूसरी वो जगह थी जहाँ देवी शक्ति की जीवा गिरी थी, जहाँ शीतल जल में भी ज्वाला जलती है। ये देखिए, और बस माँ शक्ति की जीवा के अग्नि तत्वों के कारण ही इस स्थल को ज्वाला देवी या ज्वालामुखी शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी दर्शन के बाद आप थोड़ा और ऊपर चढ़ाई करके इन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं, जिनका रास्ता यहीं ज्वालामुखी मंदिर से ही होकर गुजरता है। और जैसे जैसे आप चढ़ाई करके ऊपर जाएंगे, आपको इस तरह के स्वर्गीय नजारे देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी शक्तिपीठ सीरीज की ये तीसरी ज्वाला देवी शक्तिपीठ की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं खुशी आपसे मिलूंगी हमारी शक्तिपीठ सीरीज की अगली वीडियो में, जहाँ हम दर्शन करेंगे माँ चामुंडा देवी शक्तिपीठ के, जिसकी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन अभी दबा लें और वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। शुभ नवरात्रि।